यो यो गाइस, तो ये आपका अपना पता नहीं कौन। पिछले व्लॉग में हमने बात की थी कि हमारा रिजल्ट आ गया है और हम प्रमोट हो गए हैं सेकंड ईयर BDS। तो आज देखते हैं कि सेकंड ईयर क्लासेस कैसे लगते हैं। तो पर गिर रहे हम पर। लेट्स गो, लेट्स गो। ऑल राइट, तो पहले करते हैं नाश्ता। एक बिस्किट, वो नहीं है दूसरा कोट। शुक्रिया भैया। सर, नाश्ते में हमारे साथ है टर्की और चाइना दोनों से इम्पोर्टेड बिस्किट। और ऐसे नाश्ते तब होते हैं जब आपकी क्लास में सिर्फ 2 मिनट बचे हो, मतलब हम कॉलेज जा रहे हैं एंड कॉलेज स्टार्ट होता है 9 बजे को एंड वी लिफ्ट आवर फ्लैट ऑन 8:50। सो पंक्चुअलिटी चेक कर रहे हो, हाउ मच पंक्चुअल वी आर। 2000 years later. हमें कुछ काम है उधर गए, असल में वकार का काम है, मेरा नहीं है, इसका काम है। पहले हमारी क्लास हुआ करती थी थर्ड फ्लोर पर, अभी है सेकंड फ्लोर पर। मैंने आपको ब्लॉग में कर दिखाया है, अब 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, CD एंड DM सेकंड ईयर में। और काम भी हमारा हो गया, यही काम था जो मैंने आपको दिखाया, कुछ लेन देन का काम था इसका। और ये है वो स्पॉट जहाँ पर मोस्टली हम बंकिंग किया करते हैं। क्लास जब बंक करते तो इधर ही बैठते हैं, अच्छी जगह, मतलब साफ सुथरा सब कुछ, जबरदस्त हवाएं चलती है, मजा भी आ जाता है। बोरिंग क्लास से निकल कर बंदा फ्रेश हो जाता है। अपना पुराना फ्लोर। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? क्या हाल है डॉक्टर साहब? मस्त कर इधर। ये थी अपने कॉलेज के छोटे से कैफेटेरिया, आवाज़ सही नहीं आ रही थी बिकॉज वो जनरेटर वनरेटर के इशूज थे, मतलब कैसी आ रही मेरे ऊपर आपको साफ साफ ट्राई ट्राई कर रहा था वो। पहले हमारे 2 क्लास होती है, मतलब ईच 40 मिनट, फिर ब्रेक होती है 20 मिनट, फिर क्लास एंड फिर लैब। अभी हमारा लैब है पैथोलॉजी का, एक क्लास बाकी फिजियोलॉजी का, वो लेंगे फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट जाएंगे पैथोलॉजी लैब टू हैव सम बेसिक देयर। आपका भाई कुछ ऐसे दिख रहा है आज पूरा 2000 years later. सरकार मुबारक हो। क्यों? क्लासेस खत्म हो गई आज की। लैब का भी बात है ना, लैब में जाना है। मतलब लैब में इतना कुछ नहीं होता, क्लासेस ज्यादा बोर करवा देती है। नहीं, 2.5 घंटे ले रहा है। हेलो, मेरा तो ये है आज 2 चैप्टर में डिग्री होने वाला है मेरा, अल्लाह से। बाकी टाइम्स में तो चल जाता है, बट लैब्स में आपको वाइट कोट पहनना लाजमी होता है, तो वाइट कोट वगैरह पहन ली है, नोटबुक हाथ में। आज साहब आ रहे हैं सामने से, डॉक्टर साहब। 2000 years later. Okay, we are done with our pathology lab. Let's go. लैब में बातें इसलिए जल्दी की बिकॉज मतलब अलाउड नहीं है कुछ इस तरह वीडियो शेड्यू करना, तो बस अभी आए हैं पानी पीने, बस हमारी छुट्टी तकरीबन हो गई इधर से, अभी सीधा चलेंगे अपने फ्लैट, फाइनली फ्री। यार मैं ब्लॉग सुबह ही करना चाहता, मतलब जिस तरह मैं यूट्यूब में कह रहा था कि मैं शॉट ले लूँगा उधर से स्टार्ट एंड वो सब कुछ, लेकिन फिर मैं मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा था, सर पर मेरा डर था कि जाऊँ कि ना जाऊँ, फिर मैं सोच रहा था कि ब्लॉग करूँ कि ना करूँ, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड कर दिया बिकॉज आप लोगों के लिए वीडियो भी बन जाएगी और मेरा कंटेंट भी बन जाएगा और सबक भी पढ़ लेंगे, मतलब आए हैं इतना दूर कर रहे थे तो सब पढ़ कर जाते हैं। जोर लड़े
ऑल राइट सनानका जी को हमने रुखसत कर लिया, छुट्टी हमारी हो गई। ये पीछे जो दिख रहा है आपको कॉलेज है ये वाला प्री क्लिनिकल कैंपस। आज हमारा चूंकि फर्स्ट डे था सो एक्सपीरियंस वॉज गुड, लाइक सेकंड ईयर इज ऑल्सो, मतलब थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है अबाउट द एग्जाम एंड एवरीथिंग, सो यू फील कंफर्टेबल इन द कॉलेज एंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। और अभी चलते हैं खाना वाना खाते हैं, बिकॉज सुबह का हमने वही इम्पोर्टेड बिस्किट खाया था, कुछ और नहीं खाया हमने, तो वी आर वेरी मच हंग्री, वी नीड समथिंग ब्रो। आपको पता है कि आपका मतलब भाई जो है वो काफी पेटू कहते हैं क्या है वो है। और द गर्मी हैज स्टार्टेड इन कराची, सो मतलब अभी टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, हमें गर्मी के साइंस दिख रहे हैं। अभी सर्दी के पीछे रोना होगा, मतलब उधर जब थे तो गर्मी के लिए रो रहे थे कि थोड़ा बहुत गर्म हो जाए मौसम, अभी इधर गर्मी स्टार्ट हुई तो सर्दी के पीछे रो रहे हैं, यही है हमारा हाल। ऑल राइट तो लंच में हमने उठा लिया है कराची वालों की ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी, लेट्स गो एंड ईट इट, बिकॉज भूख बहुत ज्यादा लगी है। और क्लास में मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया था, लेकिन बस थोड़ा बहुत अभी फैट्स मेट्स थे वो जल गई थी, उन्होंने कुछ काम निकालना वरना तो मैं मर जाना था मैंने उधर। क्या बोल रहे हो आप यार, उर्दू में बोल रहे सबको समझ आए। हाँ तो कौन सा काम बड़ा काम किया मुझे अपना दिल खड़ा हो गया है इस दिन। अस्सलाम वालेकुम सेमी सिमुल्ला, हाँ क्या हाल है, ठीक हो, चार से आ गए। और वी आर इन फ्लैट नाउ, बस अभी फ्लैट में ये हाल होता है कम से कम गर्मी नहीं होती, मतलब धूप इधर नहीं पड़ती, बाहर से धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी है कि आप सोच नहीं सकते, नहीं सोच सकते आप कितनी गर्मी है। और ये है कुछ कमरे का हमारा हाल, पूरा मेस्ड अप, बिकॉज सुबह आपको पता है कि आपका भाई लेट उठा था, आपको तो मैंने बताया था सुबह ही, तो आपको पता है तानी की वापस जरूरत नहीं है, बस कमरा हमारा इसी तरह रहता है पूरा साल, पूरी जिंदगी रहेगा। ये है पहला काम, चेंजिंग कपड़े चेंज करते हैं, तो 1 2 3 डन। All right, अपने बिरयानी हमने इधर डाल दी है और पानी वानी भी उठा दिया है। ये सामने वकारुल हक बैठे है हमारा, वकारुल हक साहब, अब इसको कहता हूँ मैं, तो यार अभी मैं सोता हूँ बिकॉज सुबह की भी मैं नींद आधी अधूरी छोड़कर चला गया था कॉलेज, तो भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, फुल माहौल अपने लिए सेट कर दिया है, पंखा वंखा लगा दिया है, फुल अंधेरा, एकदम मस्त नींद करेंगे और फिर आपके साथ मिलता हूँ।